नमस्कार, स्वागत आप सभी का द ऑटरिंग न्यूज़ चैनल पर। मैं अंशु राठौर आपके साथ आज बात करूंगी रशिया के यूक्रेन आक्रमण के अपडेट्स पर। यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अतिरिक्त $33 बिलियन की सहायता का प्रस्ताव दिया है। अब क्यू के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी कांग्रेस से युद्धग्रस्त राष्ट्र को समर्थन और रूसी कुलीन वर्गों से संपत्ति छीनने के लिए कहा। धन के अनुरोध में हथियार और सैन्य सहायता के लिए $20 बिलियन से अधिक, प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के लिए $8.5 बिलियन और मानवीय सुरक्षा सहायता के लिए $3 बिलियन शामिल है। जहां राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन पर आक्रमण के कारणवश रूस को अलग थलग करने और दंडित करने के प्रयासों को तेज कर रहे हैं, वहीं उनके अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने इस वर्ष की पहली तिमाही में कई कारकों के कारण देश की GDP में 1.4% की गिरावट दर्ज की, जिसमें शामिल है आयात में वृद्धि के कारण इन्वेंट्री में गिरावट, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, COVID-19 की क्रमिक लहरें और यूक्रेन पर रशिया आक्रमण, जिसके कारण ईंधन एवं अन्य वस्तुओं की कीमतों में व्यवधान हुआ। मॉस्को का कहना है कि यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति को बढ़ावा देने के पश्चिम के इन प्रयासों ने रूस को स्वाभाविक रूप से चोट पहुंचाई है। विमान रोधी तोपों से लेकर विमान रोधी मिसाइल प्रणालियों तक अब मंत्रालय ने उपकरणों को अग्रिम रूप से कीव भेजना शुरू कर दिया है और नाटो का कहना है कि वह यूक्रेन के लिए अपना समर्थन बनाए रखने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के नवीनतम बयान ने दोनों पक्षों की ओर से बढ़ती बयानबाजी के एक पैटर्न को जोड़ दिया है, क्योंकि पश्चिमी हथियारों की आपूर्ति को बढ़ा रहा है और जिससे यूरोपीय महाद्वीप को सुरक्षा में बाधा झेलनी पड़ सकती है। बात की जाए मॉस्को की, जिसने यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों पर रूस के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के आरोप भी लगाए। बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे उन लोगों को चेताना चाहते हैं जिन्होंने कहा कि वे रूस के लिए रणनीतिक खतरा पैदा कर रहे हैं। मॉस्को ने पश्चिमी देशों को रूस पर यूक्रेन के हमले को भड़काने का आरोप भी लगाया। रूसी विदेश मंत्रालय ने पश्चिमी और यूक्रेनी खुफी एजेंसी से रूसी सैनिकों के स्थान के बारे में जानकारी देने का भी आरोप लगाया। इसी बीच मॉस्को ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर इसी तरह के हमले जारी रहे तो वह यूक्रेन में ऐसे केंद्रों को निशाना बनाएगा जिनमें पश्चिमी सलाहकार कीव की मदद करते हैं और उन्हें सहायता देते हैं। अब ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि यूक्रेन के लिए बढ़ती पश्चिमी सहायता और रूस पर बढ़ते आर्थिक अनुमोदन का पलटवार रूस किस रूप में करता है। अधिक जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ द ऑटरिंग न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद।